नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। आगरा से खबर है जहां आगरा के थाना सदर क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर डॉक्टर के 25 साल पुराने कंपाउंडर ने गुर्गों के संग डॉक्टर के परिवार पर हमला कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि डॉक्टर ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की है। डॉक्टर का कहना है कि 15 दिन पहले भी कंपाउंडर घर में घुसकर हंगामा कर चुका है। ये विवाद जो है हमारे ग्रैंडसन और हमारी बहन की लड़की राकेश कुमार द्विवेदी के बीच में जो है 2016 से ये जो है ये सिविल कोर्ट में जो मामला जो है चल रहा है। इस दौरान में जो है ना राकेश जो द्विवेदी है उन्होंने आरक्षण को इस ज़मीन का बैनामा किया और जो है उसके बाद उन्होंने जो एक पार्टी है मथुरा की वाद की उसको किया है ना। ये ज़मीन एक्चुअली 2003 में जो है हमारे नाती के नाम जो है हमारी बहन ने वसीयत कर दी थी, तो तब से ही जो है उनकी मरने के बाद 2015 में जब बहन हमारी एक्सपायर हुई तो उसके बाद जो है इसमें ये उनका लड़का फ्रंट पे आ गया और जो है ये विवाद चालू। तो वहीं अगला मामला अलीगढ़ शहर का है जहां बीते 3 दिनों से लगातार पड़ रही बरसात ने शहर के खस्ता हाल बता दिए, शहरवासियों की मुसीबत बढ़ा दी। लगातार बढ़ रही बरसात से शहर में भारी मात्रा में जलभराव हो गया, साथ ही बरसात में तरह तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बरसात से शहर में हुए जलभराव और अन्य समस्याओं को लेकर आज नवागत नगर आयुक्त ने शहर का निरीक्षण किया और जलभराव वाली सड़कों पर स्वयं निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। नगर आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्य के दौरान सड़कों में खोदे गए गड्ढों को तुरंत भरवाने और जलभराव वाली जगहों पर पंपिंग सेट लगाए जाने, सभी क्लस्टर प्रभारी और जोनल अधिकारियों को अपने अपने आवंटित वार्ड और सर्किल में तैनात रहने और शिवजी नंबर एक्टिव रखने के साथ पूर्ण रूप से मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। आज रात से ही बारिश जो हो रही है उसके क्रम में सभी अधिकारियों को अलर्ट करते हुए मॉर्निंग से हम लोगों ने अफेक्टेड एरियाज का निरीक्षण चालू किया था और जहां जहां पर भी हमारे जल भराव की स्थिति है हमने निर्देश दे दिए हैं कि हमारे मोबाइल यूनिट जो हैं पंपिंग सेट वाले वो कोई भी हमारे नगर निगम का अनयूज ना रहे, कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करें और सबसे प्रायोरिटी वाले एरियाज में डिप्लॉय करके पानी की निकासी सुनिश्चित करें। सेकेंडली, हमारा जो शेल्टर होम है हमने उसकी भी आज निरीक्षण किया और जैसा कि फोरकास्ट है 25 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी, तो कुछ लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है इस शिविर में आने की तो उसके लिए भी हम यहाँ व्यवस्थाएँ दुरुस्त करा रहे हैं और जल्द ही इसको एक राहत कैंप में तब्दील कर दिया। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र से शर्मनाक घटना सामने आई है। दरअसल 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म पीड़िता को लेकर ओबरा पुलिस इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जिला अस्पताल में डॉक्टर के मौजूद न होने पर पीड़िता को लेकर पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश के साथ कड़े कानून भी बनाए हैं। इसके बावजूद प्रशासन इन मामलों में लगातार संवेदनहीन बना हुआ। दुष्कर्म का एक मामला ओबरा थाना क्षेत्र से आया है जहां 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में ओबरा पुलिस पीड़िता को लेकर पहुंची तो जिला अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते पुलिस पीड़िता को लेकर घंटों इंतजार करती रही लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता ही नहीं लगा। देखिए, मुझे फोन कॉल पे एसओ ओबरा ने फोन करके बताया कि मैं 8 साल की एक बच्ची को जो कि रेप की पीड़िता है
उसको जिला अस्पताल में भेजा है, उसका मेडिकल नहीं हो रहा है। सीएमओ द्वारा बताया गया कि सीएमओ साहब माफ़ करेंगे तब होगा। मैंने तुरंत सीएमओ साहब को फ़ोन किया कि मेरे ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि सीएमओ माफ़ करेगा तभी 376 के पीड़िता का मुआयना होगा या मेडिकल होगा। उसके बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। एसपी साहब भी अभी आके चले गए और मुझे आना पड़ा। मैं देखूं कि क्या समस्या है। यहाँ आके देख रहा हूँ तो जो मजरूही चिट्ठी लेकर के आए थे इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूही चिट्ठी है वो चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल के नाम से लिखी गई थी। सीएमएस द्वारा बताया गया कि इसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर दीजिए, जो कि ये गलत है। सिर्फ मरीजों को भटकाने का एक गलत कार्य है। एक सीएमएस के स्तर का अधिकारी होते हुए इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इधर उधर मरीजों को भटकाना चाहिए। और 376 के मामले में तो हर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। एक 8 साल की बच्ची है जो कक्षा 3 में पढ़ती है, उसी गांव के एक बाल अपचारी द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है। वैसे ये घटना दिनांक 17 की है। परिवारजन इस संबंध में नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने FIR दर्ज करके पीड़िता को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और बाल अपचारी को परिवारजनों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। अगला मामला हरदोई शहर से सामने आया है, जहां बता दें कि हरदोई शहर में सट्टेबाजी का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। शहर के कई इलाकों में सट्टे का कारोबार फैलाए सट्टेबाजों के चंगुल में फंसकर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही। लाखों रुपए का सट्टा हर रोज हो रहा। हालांकि SSP का कहना है कि पूर्व में 4 सट्टेबाज पकड़े जा चुके हैं और इसमें ASP के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। सट्टेबाजों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हरदोई शहर में एक सट्टेबाज मामा ने मटका सट्टा और जुए के साथ साथ क्रिकेट मैच में भी सट्टा लगवाना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि ये सट्टाबाज शहर के युवाओं को प्रलोभन देता है कि क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले खिलाड़ी लाकर 2 जीतने का सट्टा लगेगा, उसका 3% खिलाड़ी लाने वाले को दिया जाएगा। ये कोतवाली शहर में इस तरह का मामला जानकारी में आया है। पूर्व में भी इन सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 सटोरिये गिरफ्तार होकर जेल गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनको पकड़ा जाएगा और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ऐसे कोई सट्टेबाजों के नाम पुलिस के संज्ञान में है? अब इसकी जानकारी है, अब इसको गोपनीय रूप से पता किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाएगा। सर, पुलिस की कार्रवाई होने के बावजूद सट्टा शहर में बंद नहीं हो रहा है, छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, इनपे और कड़ी धाराओं में भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जैसे हमने बताया कि रजिस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।